बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 4 है, शायरों के लतीफ़े। इस यूनिट के हम एमसीक्यूज देखेंगे, साथ साथ मैं सफ़र नंबर बताता जाऊंगा जो कि टेक्स्ट बुक का होगा जी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहां से आया है, कौन सा पेज है जी। नंबर 1 है मेरे पास एमसीक्यू, सबक शायरों के लतीफ़े मुसन्नफ़ की किस किताब से माखूज है, यानी किस किताब से लिया गया है। सफ़ा नंबर 23 है जी इसका, आब हयात से। जब आप देखेंगे किताब सफ़ा नंबर 23 पर, जब सबक ख़त्म होता है तो वहाँ पर किताब का नाम लिया गया है। ये देखिए सफ़ा नंबर 23 और ये आब हयात कोने में नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला टेक्स्ट बुक का। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया है आब हयात से लिया गया है। एमसीक्यू नंबर 2 है, शायर का मिसरा है, किस शायर का, जुर्रत का, सफ़ा नंबर 22 पर है। ये सफ़ा नंबर 22 है जी, ठीक है। शबे दिजूर का मतलब पूछा जा सकता है, शबे दिजूर का मतलब क्या है, माना क्या है, तारीख रात, साथ ही लिख लें आप लोग, तारीख रात या अंधेरी रात। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, इंशाल्लाह खान से एक दिन मुलाकात को आए, कौन आए, ये जो लिखा हुआ ना आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, इंशाअल्लाह खान से एक दिन मुलाकात को आए। सफ़ा नंबर 22 देखें आप, ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया है, इंशाअल्लाह खान से एक दिन मुलाकात को आए, इंशाअल्लाह खान गए थे। ये देखें किताब, किताब देखें, एक दिन इंशाअल्लाह खान जुर्रत की मुलाकात को आए, यानी कि इंशाअल्लाह खान खुद गए थे, जुर्रत नहीं आए थे। तो ये देख लीजिए और इसको दुरुस्त कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन शुरा में से शायर नाबीना थे, कौन से शायर नाबीना थे, इन शुरा में से कौन से शायर नाबीना थे, जुर्रत, क्योंकि आपने ये देखा है मिसरा सफ़ा नंबर 22 पर है। मैं आपको बता दूं कि जुर्रत जो थे इनकी बिनाई ख़त्म हो चुकी थी, अंधे थे, क्या थे, हाँ, तो एक किस्म की उन्होंने उन पर भी फप्ती कस दी। इसको इस जुल पे फप्ती शबे दिजूर की सूझी पढ़ लें, इस जुल पे फप्ती शबे दिजूर की सूझी, हम यही कहेंगे इस जुल पे फप्ती शबे दिजूर की सूझी। तो इंशाअल्लाह खान ने कहा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, इस जुल पे पढ़ेंगे, उस नहीं कहेंगे हम, वो तो मौजूद ही नहीं है ना, तो जो मौजूद है हम उसी को कहेंगे, इस जुल पे फप्ती शबे दिजूर की सूझी जी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सफ़ा नंबर 20, 1830 में दिल्ली में पैदा हुए, नज़र आ रहा आपको स्क्रीन पर। मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे, ख्वाजा बासित के, सफ़ा नंबर 21 पे ये देखें, ये देखिए जी, एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा सौदा, ये गालिब ना समझ लीजिएगा, मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा, दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे, समझ लग गई आपको बेटा। नेक्स्ट है दे मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे, कौन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सफ़ा नंबर 20 पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा जी। आब हयात और नरंगे ख्याल तसानीफ हैं किन की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ये भी सफ़ा नंबर 20 पर देख लीजिएगा, आखिर में होता दिया हुआ आमतौर पर तारुफ ये किताबों वगैरह का जी। आज़ाद की तसानी में आब हयात, दरबार अकबरी, नरंगे ख्याल, कसस हिंद और सुकंदान फ़ारस, जिसे फ़ारस आमतौर पर पढ़ा जाता है, फ़ारस ईरान का पुराना नाम, बहुत मशहूर है। इसी के नीचे ये भी देख लें, अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक का दीवान भी आज़ाद ने मुरतब किया, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद का नाम इब्राहिम ज़ौक, ये इब्राहिम ज़ौक जो थे ना सिर्फ मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद थे, बल्कि बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह था आखिरी मुग़ल बादशाह, उसके भी उस्ताद थे। ठीक हो गया प्यारे बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं।
शरीफ ज़ादे की गर्मी एक कलाम पर चौंक पड़े। कौन? मिर्ज़ा सौदा जी। सफ़ा नंबर 22 देखेंगे, पहली लाइन आपको नज़र आ जाएगी, पहली सतर देख लें। गर्मी एक कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े जी, हैरान रह गए। मिर्ज़ा सौदा का कलाम है, डैश है, मीर तकी मीर का आ है और मिर्ज़ा का वाह है, सफ़ा नंबर 21 पर जी। नेक्स्ट है, मियां लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, ये कहा था किसने? कहा था सौदा ने। ये भी सफ़ा नंबर 22 पर है। जब उन्होंने शेर सुना, जब उन्होंने सुना कि मुशारा तो इस बच्चे ने लूट लिया है, तो उन्होंने ये कहा, ये बहुत मरतबा पढ़वाया और कहा कि मियां लड़के जवान होते नज़र नहीं आते जी। जुरत हंस पड़े और क्या उठाकर मारने के दौड़े, लकड़ी उठाकर, सफ़ा नंबर 22 ये देख लें। जब शेख इमाम बख्श नासिक मुशारे में पहुंचे तो जलसा ख़त्म हो चुका था, सफ़ा नंबर 22 ये देखें। ये चौथा लतीफ़ा जो लिखा हुआ है, पहली ही सतर है, जलसा ख़त्म हो चुका था जी। एक शागिर्द अक्सर ख्वाजा साहब को डैश 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 की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे। बेरोज़गारी का जी। प्यार बच्चों, सफ़र नंबर 22 है, ये वाला देखने, पहली सतर है, लतीफ़ा नंबर 5 है, 15वां MCQ है। सबक शायरों के लतीफ़े के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पता है आपको, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने के दौड़े क्योंकि वो थे नाबीना थे, सफ़ा नंबर 22 मैंने पहले भी बताया है आपको। नेक्स्ट है, काते बुरहान के मुसन्निफ़ कौन है जी, सफ़ा नंबर 23 पे जाएंगे। मिर्ज़ा गालिब की काते बुरहान के बहुत शख्सों ने जवाब लिखे हैं, तो मिर्ज़ा, इसका पता चल गया कि मुसन्निफ़ कौन है, मिर्ज़ा गालिब जी। नेक्स्ट है, ये MCQ नंबर 18 है, 18 है, इस मिसरा, शुमार दानाए तस्बीह में इमाम नहीं, में इमाम से मुराद है इमाम बख्श नासिख, सफ़ा नंबर 22 जी। नेक्स्ट है, किसने कहा जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? हैदर अली आतिश ने। आमतौर पर आतिश पढ़ा जाता है, तलफ़ुज है आतिश, ठीक हो गया प्यारे बच्चों? आंसर मौजूद है किताब के सफ़ा नंबर 23 पर, शुरू में ही, जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो जी। ये MCQs के आंसर देख लें जी प्यारे बच्चों। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 निकालें, ये देखें ज़रा जी। दुरुस्त जुमलों पर करेक्ट ऑप्शन का, दुरुस्त जुमलों पर करेक्ट ऑप्शन का निशान लगाएं जी। अलिफ है, शेर तो मीर का है मगर दाद खाही उनकी दवा की मालूम होती है, ये दुरुस्त है, सफ़ा नंबर 21 पर इसका जवाब मौजूद है किताब के जी। मैंने सफ़ा नंबर 21 साथ लिखते जाएं ताकि आप बाद में उसकी करेक्शन देख लें जी। बे है, सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियां लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे, गलत है, सफ़ा नंबर 22 पर इसका आंसर मौजूद है। जीम, जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने के दौड़े, बिल्कुल ठीक है, सफ़र नंबर 22 पर इसका आंसर मौजूद है। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे, नहीं नहीं, तारीफ़ की, सफ़र नंबर 22 पर है, यह गलत है, ठीक हो गया। हे भाई, अगर कोई गधा तुम्हें लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे, ये दुरुस्त है, करेक्ट है, सफ़र नंबर 23 पर है इसका आंसर जी। सवाल नंबर 3 है, ये भी चूँकि ऑप्शन पर मुश्तमिल है इसलिए मैं इनको भी MCQs में ही शुमार करूंगा, ठीक है, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर, मद्देनजर रखकर मतलब सामने रखते हुए, ठीक हो गया। दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें, दुरुस्त मार्क, करेक्ट मार्क जो होता है ना उससे करें जी, सही निशान से करनी है। अलिफ, मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे? ख्वाजा वासिद के। बे, इंशाल्लाह खां, ये ठीक लिखा हुआ है, एक दिन किसकी मुलाकात को आए? जुरत की। जीम, ये मिसरा इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी किस शायर का है? जुरत का। दाल, काते बुरहान के मुसन्नफ कौन है? गालिब जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, सफ़र नंबर 24 पे ही है ये,
क्वेश्चन नंबर 4 है, मतन को मद्देनजर रखते हुए, वही उसी तरह से मुनासिब वर्ड से खाली जगह पूर करनी है, मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पुर करें। जी अलीफ है, एक दिन लखनऊ में डैश के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा, मीर और मिर्ज़ा, मिर्ज़ा ब्रैकेट में लिख रहे सौदा। जी नेक्स्ट है बे, मीर साहिब का कलाम डैश है आ है, मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है। जी जीम है, गर्मी कलाम पर डैश भी चौंक पड़े सौदा, दाल डैश ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है जुरत ने, हे जुरत हंस पड़े और डैश उठाकर मारने के दौड़े, लकड़ी उठाकर, ठीक वाह, डैश को डैश में बहुत दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। जे चूँकि नाम भी डैश था इमाम बख्श, इसलिए तमाम अहल जलसा ने नहायत तारीफ की। जी हे आ गया, एक शागिर्द अक्सर डैश की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे, बेरोज़गारी। जी तो एक दिन मामूली दरबार था, डैश भी हाजिर थे, उस्ताद भी हाजिर थे, ये याद रखना है इब्राहिम ज़ौक है जी, उस्ताद आपने लिखना है, ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, ठीक हो गया। छोटी ये उन्होंने डैश बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए आहिस्ता आहिस्ता। जी ठीक हो गया जी प्यारे बच्चों, यही थे, ये है जी टेक्स्ट बुक। जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 सबक नंबर 5 नसूह और सलीम की गुफ्तगू की जानिब, चलें देखते हैं। इसका पहला एमसीक्यू है, मारूजी सवाल है, सलीम ने कहा मैं शतरंज की निस्बत डैश डैश को ज़्यादा पसंद करता हूँ, गुंजफा एक खेल है। सफ़ा नंबर 30 पर इसका जवाब मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सफ़े पर इसको ढूंढना है। जी ये देखिए प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 30, ये ठीक हो गया, बहुत आसान। जी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ है जिसे हमारे यहाँ गुंजफा वगैरह कह दिया जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ जो है, तलफ़ जो है इसका, वो है गंजिफा। गंजिफा गा पर ज़बर है, जीम के नीचे ज़ेर है, गंजिफा है, अरबी में इसको गंजिफा, जंजिफा या कंजिफा कहा जा सकता है या कहा जाता है, याद रखना है। ये ताश की तरह का ही एक खेल होता है, ताश से मासरत रखता है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, इसमें 96 गोल पत्ते होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी इसका एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं, सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए चमक थी। अच्छा ये नाम की निस्बत से, क्योंकि नाम मिलता जुलता है, नाम वही है, नाम में इश्तराक है, नाम एक ही है, इसलिए ये पब्लिशर्स ने इसको नसू और सलीम की गुफ्तगू में शामिल कर दिया, हालांकि ये कदर अयाज सफ़ा नंबर 93 पर मौजूद है, ये कदर अयाज में से लिया गया है, ठीक है। मोहब्बत सलीम और अली बख्श की आंखों में एक देहाती के लिए चमक थी, मोहब्बत की सफ़ा नंबर 93 कदर अयाज से है, ये नसूह और सलीम की गुफ्तगू से नहीं लिया गया, ये मैं वजाहत कर दूं, ये गलती है, मैं आपको दिखा भी देता हूं इसका सबूत। ये देख लें उर्दू की टेक्स्ट बुक जो है सफ़ा नंबर 93, सलीम और अली बख्श दोनों की आंखें नम थी और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी, ठीक हो गया। ये तीसरा एमसीक्यू देख लें, हज़रत बी ने सलीम को दी, एमसीक्यू नंबर 3 है, हज़रत बी ने सलीम को दी क्या दी, मिठाई दी, सफ़ा नंबर 31 पर। छोटा भाई इम्तहान की तैयारी के लिए जाता था, ये एमसीक्यू नंबर 4 है, कहाँ जाता था, हम जमात के घर, सफ़ा नंबर 29 पर मौजूद है, दिखा देता हूँ मैं, सफ़ा नंबर 29, सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, ठीक हो गया, समझ लग गई आपको। और हज़रत बी ने सलीम को क्या दिया ये भी देख लें, जी सफ़ा नंबर 31 पर इसका जवाब है, मिठाई दी। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, सलीम को किसने आकर जगाया,
बेदारा ने सफ़र नंबर 28 पर इसका आंसर मौजूद, सफ़र नंबर 28 बेदारा ने आज गाया। एमसीक्यू नंबर 6 है, सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू के मुताबिक अक्सर कौन घबराया करता है। मुब्तदी काम का आगाज़ करने वाला, सफ़र नंबर 30 पर इसका जवाब मौजूद है। दिखा देता हूँ सफ़र नंबर 30 पहली ही सतर जी। एमसीक्यू नंबर 7 खेल के पीछे सारा दिन दीवाना बना रहता कौन। सलीम सफ़र नंबर 30 पर इसका आंसर मौजूद। इनमें से किसका शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। डिप्टी नज़ीर अहमद सफ़र नंबर 27 ये भी दिखा देता हूँ सफ़र नंबर 27 जी। ठीक हो गया ये सलीम की बात जो पहले की गई है सलीम के बारे में। सलीम कहता मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था। ठीक हो गया ये भी देख लें। एमसीक्यू नंबर 9 माँ की गोद में कौन सोया हुआ था। लड़की सोई हुई थी। सफ़र नंबर 29 देख लीजिएगा। नज़ीर अहमद किस ज़िला में पैदा हुए ये देख लीजिए। मुरादाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, ये बिजनौर में पैदा हुए। डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत नावल नगार थे, उर्दू में नावल नगार। सफ़र नंबर 27 पर मौजूद इसका आंसर। शतरंज की नस्बत कौन गुंजफा को ज़्यादा पसंद करता था। सलीम सफ़र नंबर 30 पर आंसर मौजूद जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ है जिसे हमारे यहाँ गुंजफा वगैरह कह दिया जाता है, लेकिन अस लफ्ज़ जो है तलफ़ जो है इसका वो है गंजिफा। गंजिफा गा पर ज़बर है, जीम के नीचे ज़ेर है, गंजिफा है। अरबी में इसको गंजिफा, जंजिफा या कंजिफा कहा जा सकता है, कहा जाता है। याद रखना है ये ताश की तरह का ही एक खेल होता है, ताश से मासरत रखता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं, इसमें 96 गोल पत्ते होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लड़कों की नानी को लोग कहते थे हजरत भी कहते थे। सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद। मियां अकेले बैठे क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद जी। सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू के मुसन्निफ का नाम क्या है। डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल नगार हैं। नावल इंग्लिश में, उर्दू में नावल, नावल नगार हैं। ठीक है सफ़र नंबर 27 पर जी। नेक्स्ट देखते हैं। सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू के मुताबिक दिल्ली में एक साल सख्त वबा फैली कौन से मर्ज़ की। हैज़े के मर्ज़ की, ये याद रखना है। हैज़े की मर्ज़ है, हैज़ा एक मर्ज़ नहीं कहना है, मर्ज़ कहना है। आंसर दिखा देता हूँ सफ़ा नंबर 28 पर जी। ठीक हो गया ये दोनों ही नोट कर लें, अलग अलग आए हुए हैं। नसू भी दीगर अफराद की तरह मुबतला था हैज़े में, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। शतरंज में ज़ोर पड़ता है तबीयत पर। ठीक है 19वें का आंसर है तबीयत पर। सफ़र 30 पर इसका जवाब मौजूद है टेक्स्ट के। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है हाफजे पर, हाफजे पर नहीं तबीयत पर पड़ता है। शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गुंजफा में हाफजे पर। ठीक हो गया। बेदारा ऊपर से लेने गई थी, लोटा लेने गई थी। सफ़र नंबर 28 पर इसका आंसर मौजूद है। मंझला डैश डैश मेरा हम जमात है, मंझला लड़का जी। सफ़र नंबर 31 पर आंसर मैं दिखा देता हूँ जी। सफ़र नंबर 31 ये देखिए। ठीक हो गया। अमोखता से मुराद है सबक, ये तो मीनिंग है, मफहूम है, इसका मतलब लिखना, माना लिखना है हमने यहाँ। इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानो कान खबर नहीं, खबर नहीं कहना, खबर कहना। सफ़र नंबर 30 पर कई बरस से। सफ़र नंबर 30 ये देखिए ज़रा। नसूह ने अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर बेदारा के ज़रिए बुला भेजा, किस वक्त। सुबह के वक्त। सफ़र नंबर 28 पर इसका आंसर मौजूद। नेक्स्ट देखते हैं। सलीम डरता डरता गया। सलीम डरता डरता कहाँ गया जी, ऊपर बाला खाने पर। ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के नावल यानी कि उर्दू में नावल, इंग्लिश में नावल, किस अंदाज़ के हामिल हैं। इस्लाही हैं। सफ़र नंबर 27 पर इसका आंसर मौजूद, ये मैं दिखा भी देता हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। नसूह और सलीम की गुफ्तगू में खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था। सफ़र नंबर 30 पर इसका आंसर मौजूद, सलीम बना रहता था जी।
28वां एमसीक्यू देखते हैं, मिरातुल उरूस, फसाना मुबतला और इब्नुल वक्त, नावलों, उर्दू में नावलों, कैसे नावलों के खालिक हैं, कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। ठीक हो गया, बहुत आसान, सफ़र नंबर 27 पर इसका आंसर मौजूद, आपको मैं दिखाता हूँ। पर बच्चों ये एमसीक्यू जो मैंने बताए हैं आपको, यहाँ से भी देख लें, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी कौन थे? नावल नगार थे, उर्दू के पहले नावल नगार। नज़ीर अहमद ज़ीरा बिजनौर में पैदा हुए, इंडिया में। आपके नावल इस्लाही अंदाज़ के हामिल, ये भी आया हुआ है। नज़ीर अहमद दहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। आप उर्दू के पहले नावल नगार हैं, ये भी देख लें। और ये नावल जो हैं इन्होंने जो लिखे हुए हैं, ये जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल लिखे, उनके नाम ये भी याद करने आपने। ठीक, सफ़र नंबर 27। रसूल और सलीम की गुफ्तगू के बारे में हम देख रहे थे एमसीक्यूज़। इसी तरह ये टेक्स्ट बुक है मेरे पास, टेक्स्ट बुक के सफ़र नंबर 32 पर चले जाएं। ये सवाल नंबर 7 है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। ये भी ये देखें, सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। जी देख लें, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। मैं ऊपर डैश लेने गई थी, लोटा लेने गई थी, ये आया हुआ है। सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था, सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा बैठा। ये भी देख लें, अगले महीने इम्तहान होने वाला है। ठीक है, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बड़े भाई जान के पास हर वक्त गुंजफा और शतरंज हुआ करता है। जी नेक्स्ट देखें, ये भी एमसीक्यूज़ देख लें। सलीम को किसने आकर जगाया? बेदारा ने। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? लड़की। सलीम डरता डरता कहाँ गया? ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? सलीम। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जी तो प्यार बच्चों, हमारा अगला सबक है पंचायत, जिसे हमारे यहाँ पंचायत भी कहा जाता है। इसका पहला एमसीक्यू देखते हैं। रामधन मिश्र लिखा हुआ है, डैश डैश अलगू के थे, हालांकि ये लिखना चाहिए था रामधन मिश्र डैश डैश की बजाय अलगू के डैश डैश थे। रामधन मिश्र अलगू के डैश डैश थे, यानी कि दोस्त थे। सवाल नंबर 41 पर इसका आंसर मौजूद है। ये गलती है इसकी इबारत की, इसको टाइपो मिस्टेक कहेंगे हम। मैं आपको दिखा देता हूँ किताब से। जी ये देखिए, राम धन मिश्र अलगू के दोस्त थे, सफ़ा नंबर 41। जी ठीक हो गया प्यारे बच्चों। जी प्यारे बच्चों, हमारा अगला एमसीक्यू है, शेख जुमेराती ज़्यादा कायल थे डैश डैश के ताजियाने के, सफ़ा नंबर 36 पर इसका आंसर मौजूद है। आपको दिखा देता हूँ। जी प्यारे बच्चों ये देखिए, शेख जुमेराती ख़ुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताजियाने के ज़्यादा कायल थे। ठीक हो गया, आसान है। मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए 1880 में, सफ़ा नंबर 35 पर राइटर का जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें इसका आंसर मौजूद है। ये देखें सफ़ा नंबर 35, मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए। ठीक हो गया, इनका असल नाम भी आ जाता है, असल नाम धनपत राय था, ये भी आ सकता है। सबक पंचायत में अलगू चौधरी से बैल किसने खरीदा? संजू सेठ ने। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ कि इसमें, इस सबक में दो मुकदमात हैं, वो कौन कौन से हैं देख लें। पहला मुकदमा शेख जुम्मन और खाला जान के दरमियान है, अलगू ने जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया तो दोनों की बिगड़ गई। जी दूसरा मुकदमा अलगू चौधरी और समझू सेठ के दरमियान है, शेख जुम्मन ने अलगू के हक में फ़ैसला सुना दिया
तो दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त हरा भरा हो गया। ठीक है, फिर से नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन। इसनाफ़े अदब के लिहाज से क्या है, अफसानवी मजमूआ है, याद रखना है सफ़ा नंबर 35 पर आंसर मौजूद है जहां पर राइटर का इंट्रोडक्शन होता है। सबक पंचायत के मुसन्नफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, सफ़ा नंबर 35। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, सफ़ा नंबर 35। शेख जुम्मन के वारिस शेख जुमेराती का पेशा क्या था, उस्ताद थे जी। जी नेक्स्ट है जुम्मन शेख, या शेख जुम्मन कह लें, जब हज करने गए तो अलगू चौधरी को सौंप गए अपना घर, ये सफ़र नंबर 36 पर मौजूद, आंसर दिखाता हूँ। जुम्मन जब हज करने गए, जुम्मन शेख जुम्मन कह दिया जाए तो नो प्रॉब्लम। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, अगला भी देख लें, और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते, जुम्मन पर। ओके बॉयज, आगे बढ़ते हैं। जुम्मन की अहलिया का नाम था, सफ़र नंबर 36 पर है, बी फहमीन। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ हुआ, कब हुआ जी, जब वो शेख जुमेराती के शागिर्द थे जी। शेख जुम्मन अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे पी रहे थे, हुक्का पी रहे थे, सफ़र नंबर 37 पर आंसर मौजूद है, सफ़र नंबर 37 जी। ठीक हो गया, हुक्का पी रहे थे। अलगू जब कभी बाहर जाते अपना घर डैश पर छोड़ जाते, जुम्मन पर, यह भी दिखाया मैंने। शेख जुमराती के बेटे का नाम था शेख जुम्मन या जुम्मन शेख। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था, दोस्ती थी, सफ़र नंबर 36 देख लें, आपको दिखाता हूँ पहले ही सतर, बड़ा याराना था, सफ़र नंबर 36। प्रेमचंद के अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में डैश रहती है, गालिब रहती है, सफ़र नंबर 35 दिखाता हूँ आपको। और भी एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं वो भी देख लें। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, ठीक हो गया जी। अफसानों के नाम देख लें, ठीक है। अलगू डैश आदमी था, कानूनी आदमी था, सफ़र नंबर 39 ये भी दिखा देता हूँ जी, देख लें सफ़ा नंबर 39 जी। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था, कानूनी आदमी थे, ठीक हो गया। प्यार बच्चों, खाला जान ने पंचायती बनाया किसको, अलगू चौधरी को, ठीक हो गया। बैल मर गया था पंचायत के एक महीने बाद, कितने महीने बाद, एक महीने बाद, ये दिखाता हूँ, ये देख लें, इस पंचायत के एक महीना बाद एक बैल मर गया, ठीक हो गया। फैसला सुनकर जुम्मन को क्या हो गया, सन्नाटे में आ गया कि मेरे दोस्त ने मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया। मुझे जी किताब का सफ़र नंबर 39 देख लें। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया, दोस्ती का दरख्त फिर से हरा हो गया, मुरझाया हुआ सफ़र नंबर 42 पर देख लें इसका आंसर। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया, सफ़र नंबर 42। मुंशी प्रेमचंद का शुमार होता है अव्वलीन अफसाना निगारों में, सफ़र नंबर 35 पर मौजूद। नेक्स्ट एमसीक्यू पंचायत प्रेमचंद का डैश है, क्या है जी, अफसाना है, सफ़र नंबर 35। जुम्मन की खाला ने कितना अरसा पहले अपनी सारी जायदाद या सब जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी, सफ़र नंबर 38 पर इसका आंसर मौजूद है, 3 साल पहले। जवाब दिखाता हूँ, पंचो आज 3 साल हुए, ठीक हो गया, ये देख लें। समझू सेठ मंडी से डैश डैश लाद कर लाते और गांव में बेचते थे, क्या जी, तेल नमक, सफ़र नंबर 39 पर इसका आंसर मौजूद जी। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे, ठीक हो गया। आंसर्स भी देख लें, बहुत ही आसान था।
That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.